नमस्कार। आयुष मींस आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, ये सब होलिस्टिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। ये खाली रोगी का ट्रीटमेंट नहीं करते, ये स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को उसकी जीवनी शक्ति बढ़ाकर मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं। चरक में बल वृद्धि कर भाव बताए गए हैं, जिसमें उत्तम आहार विहार का सेवन, व्यायाम और मन को सुख रखना आता है। और जो व्यक्ति षड्रस आहार का सेवन करता है, जिसमें मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त, कषाय यानी मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, तीखा और एस्ट्रिंजेंट टेस्ट, ये छह के छह रस का जो सेवन करता है, वो व्यक्ति उत्तम बल की प्राप्ति होती है उसको। नित्य सेवनीय आहार भी बताए गए हैं, जिसमें जौ, मूंग साबुत दाल, शाली चावल यानी चावल, सेंधा नमक, दूध, देसी घी, अनार, आंवला इत्यादि आते हैं। नित्य असेवनीय द्रव्य भी बताए गए हैं, जिसमें दही, पनीर, उड़द, मछली, नमक, शार, शुक्त इत्यादि आते हैं। इसी तरह विरुद्ध आहारों का भी वर्णन है, आहार का बहुत डीप वर्णन है आयुर्वेद में। अब आता है विहार, यानी आपकी जो दिनचर्या है वो भी आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, उसके बाद योगा कीजिए, नस्य कीजिए, नाक में दो दो बूंद तेल डालिए, जिसके बहुत फायदे हैं, और इसके बाद आप बॉडी पे ऑयल मसाज कीजिए। फिर आप व्यायाम कीजिए, जिसमें आप अपनी शक्ति से आधी शक्ति तक व्यायाम करना है आपको। और इस पे बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं कि योगा से और व्यायाम से क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है। इसमें आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, कपालभाति और अनुलोम विलोम, और इसके बाद आप मेडिटेशन कीजिए, जिससे आपकी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव हो और नींद भी अच्छी आती है इससे। और फिर आता है निद्रा। जितना हमारे शरीर के लिए खाना इम्पोर्टेंट है, उतनी ही नींद इम्पोर्टेंट है। अगर हमारी नींद प्रॉपर नहीं होती तो हमारा इमोशनल वेलबींग डिस्टर्ब होता है, हमें स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, ये डिसऑर्डर्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर बनाना चाहिए सोने के टाइम, जिससे आपको प्रॉपर नींद आ पाए, जिसमें एक सुकून सा एनवायरमेंट बना हो। और जिनको प्रॉपर नींद नहीं आती है, वो पैरों की तलियों के नीचे तेल लगाकर सोए। माथे पर तेल लगाने से भी नींद अच्छी आती है। नाक में आप दो दो बूंद देसी घी या बादाम का तेल डाल सकते हैं, जिससे आपको अच्छी सुकून वाली नींद आए। और निश्चिंत रहना भी इसका एक उपाय है, और खुश रहना। इसलिए आयुष को फॉलो कीजिए, अपनी जीवनी शक्ति बढ़ाइए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।